चलो चलो हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सर। यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस गोपालगंज में आपका स्वागत है। तो हम लोग ने लॉकडाउन में सोचा कि अब यूट्यूब से ही पढ़ाया जाए, तो आप सभी को यूट्यूब से क्लास चलेगी और आप लोग रेगुलर क्लास देखें। 9, 10, 11 और 12 की सभी विषय क्लास चलेगी, धीरे धीरे सब स्टार्ट होगा। फिलहाल में अभी जो स्टार्ट हो रहा है उसको देखा जाए और धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग पढ़े होंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। आपको दर्पण जानते होंगे, ये आपको 10th क्लास में भी आता है फिजिक्स में और 12th क्लास के फिजिक्स में भी आपको आता है। तो हम लोग इसको आज जानेंगे। एक दर्पण के बारे में एक चीज़ ये होती है गहराई समझने के लिए, जिसका वो हम नाम पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी, ठीक है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है दर्पण को समझने के लिए या किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। तो हम लोग आज जानेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। चलिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? तो हम लोग जानेंगे आज चिन्ह परिपाटी, ठीक है? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है? इसको समझिए। चिन्ह का मतलब समझते हैं प्लस या माइनस, यही होता है, गुना भाग यही होता है। तो हम लोग इसमें यही समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी किसके संदर्भ में, तो दर्पण के संदर्भ में, ठीक है? दर्पण भी समझाएंगे थोड़े से, आप लोग बुझाइए। तो चिन्ह परिपाटी का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? इससे पहले आप समझ लें एक लाइन में आप कि दर्पण जो होता है वो आप लोग पढ़े होंगे। फिलहाल अभी आपको पूरा डिफाइंड नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी समझ लें, आपको फिर दर्पण पूरा पढ़ाएंगे। अभी आप ऐसे ही समझें, चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना है तो आप समझेंगे। तो जो दर्पण होता है वो देखिएगा आप लोग, दर्पण यानी मिरर, ठीक है? तो ये आपको 3 तरह का मिरर होता है। आपको पहला होता है समतल दर्पण, पहला क्या होता है समतल दर्पण। दूसरा होता है आपको गोलीय दर्पण, क्या होता है गोलीय दर्पण। तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। देखो एक्चुअली बहुत लड़का गलत बोलता है कि दर्पण कितना होता है, तो बोलता है अवतल, उत्तल और समतल, जो कि गलत है, ठीक है? यहाँ अगर कोई आपसे पूछेगा दर्पण कितने तरह के होते हैं तो क्या बताइएगा, 3 तरह के, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, गोले दर्पण, एस्पेरिकल मिरर और परवलय दर्पण, पराबोलिक मिरर, ठीक है? अब इसका 2 पार्ट होता है, यानी इसका होता है आपको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसका होता है आपको उत्तल दर्पण। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि दर्पण कितने तरह के होते हैं तो 3, समतल दर्पण, गोले दर्पण और परवलयिक दर्पण। अगर आपसे कोई पूछता है गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं तो 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मुख्य रूप से हम लोग यही पढ़ेंगे आज, ठीक है? अवतल उत्तल के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सबके बारे में। फिलहाल आज चिन्ह परिपाटी पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसके बारे में आपको जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसका भाग है, गोलीय दर्पण का, किसका है, गोलीय दर्पण का। और गोलीय दर्पण को हम लोग 2 टुकड़ों में बांटते हैं, तो आपको ऐसा टुकड़े मिलता है, एक बाहर से कलाई करेंगे और एक अंदर से कलाई करेंगे, एक हो जाएगा अवतल, एक हो जाएगा उत्तल। बट हम लोग अवतल उत्तल देखते हैं तो देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा होती है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। जैसे मान के चलिए कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, जैसे इसमें बाहर से कलाई कर दिए तो जिधर पेंट हो गया वो साइड क्या हो गया, खत्म, खराब हो गया। जिधर पेंट नहीं होता है उस साइड को देखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह। अगर ये धंसा होगा तो अवतल दर्पण है। अगर यही परावर्तक सतह अगर उठा होगा, मान लो कि अंदर से कलाई कर देते हैं, कहाँ से कलाई करते हैं, अंदर से, तो अंदर से कलाई किए तो सतह इसका मेन कौन हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया आपको, खराब हो गया, तो ये उठा हुआ है। तो देखिए जिधर चिकना सतह है अगर धंसा है तो अवतल दर्पण है, अगर उठा है तो उत्तल दर्पण है, ठीक है? ये समझ में आपको आपको आ गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है? इसमें थोड़ी सी और बात समझ लिया आप लोग कि यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है। इसमें भी आपको इधर पार नहीं करेगा कलई है तो इधर डैश जैसे कले जाते हैं, यहाँ पे होता है F, यहाँ पे होता है C, ठीक है? यहाँ पे होता है P, क्या मतलब, पोल ध्रुव फोकस और C वक्रता केंद्र होता है। ये सब जानकारी आपको दर्पण पढ़ाएंगे तो डिटेल में देंगे, ठीक है? अभी आपको शॉर्ट बताया जा रहा है क्योंकि हमको मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे, चिन्ह परिपाटी। ये सब आपको डिटेल में बताएंगे, कौन क्या होता है वो आगे वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है? तो देखिए ये फोकस है, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है? और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर। इसमें भी सेम बात है, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं छोटा एफ यानी फोकस दूरी,
और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं हम लोग आर, यानी वक्र त्रिज्या आर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि पी से एफ के बीच की दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, और पी से सी के बीच दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। सेम कंडीशन इसमें भी है। अब थोड़ी सी बातें इसमें हम और समझ लेते हैं डिटेल में, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये जो आपको अवतल दर्पण है और ये जो आपको उत्तल दर्पण है, ठीक है, इसमें आपको अवतल दर्पण में छह तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। पहले ये समझें कि छह जगह कहाँ रखते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लें पी, यहाँ समझ लें एफ और यहाँ समझ लें सी, ठीक है। इसमें भी आप रखिएगा तो इधर डैश डैश होगा, तो यहाँ पे होता है एफ, यहाँ होता है सी और यहाँ क्या होता है पी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें आपको जो वस्तु की स्थिति, जैसे मान लो दर्पण क्या होता है, समझ लें शीशा जो आपके घर पे होता है ना, शीशा जिसमें बाल झाड़ते हैं, चेहरा देखते वगैरह, वो आपको दर्पण कहलाता है। और वो कौन दर्पण होता है, समतल दर्पण। लेकिन हमको यहाँ समतल नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पढ़ना है अवतल, जिसका सतह क्या हो। देखो ये हाथ है, इधर ये कलई हो गया, तो ये वाला खराब हो गया, ये वाला चिकना है, तो जो खराब हो गया उसको नहीं देखना है, जिधर चिकना है उसको देखना है। अगर ये धसल होगा तो क्या होगा, अवतल। अगर ये उठल होगा तो क्या होगा, ये उत्तल। तो अवतल उतल समझ में आ गया। तो अवतल अब इसमें देखना क्या होता है, इस फिगर को देखिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे पी एफ सी, ये एक ऐसा देखा जाए तो ये गोला घूमेगा, गोला का एक भाग होता है काटते हैं तो, ठीक है, इसका केंद्र यहाँ पे होता है, इसलिए इसको सी मानते हैं, इसको एफ मानते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसको, इसमें देखो वस्तु को हम लोग छह जगह पे रख सकते हैं, वस्तु कितना रख सकते हैं, छह जगह पे रख सकते हैं, और छह जगह रखने के बाद उसका प्रतिबिंब क्या होगा, अलग अलग बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये शीशा मान के चलो, ये बोर्ड जो है शीशा है, ये मार्कर यहां रखोगे, यहां रखो मार्कर, तो ये मार्कर यहां रखोगे तो ठीक इसके पीछे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखो ये अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग छह जगह रखते हैं, सबसे पहले देखो छह जगह वस्तु को कहां कहां रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सबसे पहले इधर हम लोग मानते हैं अनंत, इधर क्या मानते हैं, अब अनंत का मतलब आप यहां मत समझिए कि अनंत ही है, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, जैसे सूर्य क्या होता है, बहुत दूर होता है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं। तो जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर हो तो कहां बनेगा, सी पर हो तो कहां बनेगा, ये सब चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा समझ लो, जब कोई वस्तु अनंत, अनंत का मतलब बहुत दूर रहता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो अनंत वाला फोकस पर और फोकस वाला अनंत पर, दो स्थिति क्लियर हो गया। अगर कोई वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, अगर कोई वस्तु सी और एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनता है। तो ये चार हो गया आपको, सी पर हो तो सी पर बनता है, ठीक है, पाँच, और एफ और पी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान देने वाला बात यहीं पर है कि इसमें पांच को जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के आगे बन रहा है, और एक जो प्रतिबिंब है दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। यानी इसमें कभी आगे बन रहा है तो कभी पीछे बन रहा है। इसमें भी आइएगा तो इसमें दो ही स्थिति होता है, एक अनंत होता है और एक पी होता है। तो अनंत पे रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब फोकस बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अगर अनंत और पी के बीच रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक। ये था आपको समझने के लिए, मेन मुद्दा मेरा ये नहीं है, हम लोग को मेन चीज़ें क्या पढ़नी है, तो चिन्ह परिपाटी पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं चिन्ह परिपाटी, इतना बेसिक जानना आपको जरूरी था, अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखो चिन्ह परिपाटी आंसर क्या होता है, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इस स्थिति को समझने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं।
ये इसका डेफिनेशन हुआ। किसका डेफिनेशन हुआ? चिन्ह परिपाटी का आंसर हुआ। इसमें यही बात कह रहा है, बहुत आसान तरीके समझ लो कि गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कहेगा तो इसमें अवतल भी आ जाता है और आपको उत्तल भी आ जाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसको समझने के लिए एक हमको चिन्ह परिपाटी चाहिए कि मतलब किधर प्लस रहेगा और किधर माइनस। अगर प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आएगा तो आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यानी आंकिक प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ये परिभाषा है आप लोग उतार लीजिएगा लोग। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इस स्थिति को समझने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ, तो देखते हैं हम लोग कि चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी कुछ बातें कहता है जिसको नोट करना पड़ेगा और इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये कुछ बातें कहता है जिसको ध्यान रखा जाता है। पहला बातें क्या कहता है ये कि दर्पण में सभी दूरियां, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है दर्पण में वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। तीसरी बात ये कहता है आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये तीन और बातें कहता है, ठीक है। चार बातें समझते हैं। प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। फिर आप लोग जानेंगे पांच नंबर, प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। देखिए आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए तो कलम कॉपी लेके बैठिए, ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता। केवल वीडियो देखिएगा, सो जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसको कॉपी पे उतारिएगा तो फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये पांच बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कौन कहता है? तो चिन्ह परिपाटी कहता है कि मेरी ये पांच बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या है? तो दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। पांचों बात आपको समझाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पहले समझ लो, दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव क्या होता है? समझा देते हैं। फिर दर्पण में वस्तु को हमेशा कहां रखता है? बाईं ओर रखा जाता है। दाईं ओर भी रख सकते हैं, लेकिन आज तक किसी बुक में या किसी किताब में आप कहीं भी नहीं देखे होंगे, दाईं तरफ रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बाएं ही रखेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। और नीचे क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर हम इसको समझाते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, यहां ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहां हम बनाते हैं वही चीजें। एक बनाएंगे आपको अवतल दर्पण में वही बातें होती है कि यहां पे एक पी होता है जिसको ध्रुव बोलते हैं, यहां पे एफ होता है और यहां पे सी होता है। ये कैसे आता है पता है? ये गोला होता है, इस गोले के जो बीच में सेंटर तो सी बोलते हैं, और इसको हाफ कर देंगे तो क्या आता है? एफ आता है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, F होता है, ठीक है, यानी फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आपको, R, यानी वक्रता त्रिज्या होता है। ये हो गया आपको अवतल दर्पण, ठीक है बाबू, यानी ये बातें जो हो गई हम लोग बात कर रहे हैं अवतल दर्पण, ये जो फिगर है वो किसका है, अवतल दर्पण का। फिर हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं आपको ऐसे, और इसको अंदर से कलई करेंगे तो ये बाहर उठा हुआ है तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, इसमें ऐसे जाता है। अब मान लो कि लाइन नहीं जाएगा क्योंकि ये बीच कलई किया गया है, ठीक है, पेंट किया गया है, तो ये ऐसे नहीं जाता है, डैश डैश से मतलब आभास से पार होता है, ठीक है, ये आभासी होता है। तो यहाँ पे इसका एफ मान लो, यहाँ पे इसका क्या मान लो, ये दूरी सेम होना चाहिए, वो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है पी होता है, ठीक है। इसमें भी सेम बातें हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है फोकस दूरी एफ होती है, और जो यहाँ से यहाँ तक होती है वो आपको आर बकत या आर होती है, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी पढ़ने का मेन मकसद क्या है वो यही समझ में आएगा, ठीक है, बाकी समझ में अभी कुछ नहीं आया होगा कि क्या पढ़ाएं, ठीक है। देखो होता क्या है कि आपको अभी बताया था कि अवतल दर्पण में 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें 5 प्रतिबिंब आगे बनता है और 1 प्रतिबिंब पीछे बनता है। उत्तल में 2 प्रतिबिंब बनता है, दोनों दर्पण के पीछे बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां मेन समझ लो मोटी मोटी बातें, अगर मोटी मोटी थोक भाव में बताएं तो समझ लो कि जो चीजें दर्पण के पीछे बनती है वो प्लस में होती है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, इसमें भी होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और जो पहले बनती है वो क्या होता है, माइनस, ध्यान रखना, बहुत बारीकी से ध्यान रखना। और एक रूल समझ लो, मंत्र समझ लो दर्पण के लिए, ठीक है, कि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आपको माइनस में होगा, ध्यान रखना इसको। कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा अगर वास्तविक बनेगा तो फिक्स है कि उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और ये भी ध्यान रखना, ये आगे होता है, क्या होता है, आगे होता है। ये चार ट्रिक याद रखना कि प्रतिबिंब आगे बनेगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और माइनस होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें बात करते हैं हम लोग आभासी का, किसका बात करते हैं, आभासी का, तो आभासी कहाँ होता है, तो पीछे होता है, पीछे बनेगा तो आभासी होगा और सीधा होगा और आपको प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें भी कितना बातें हो गई, 4 बातें हो गई। ये तो मंत्र याद कर लेना, ठीक है, कि प्रतिबिंब अगर आगे बनेगा तो फिक्स है कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और माइनस होगा, पीछे बनेगा तो आभासी होगा, सीधा होगा और प्लस होगा। इसमें से कोई एक बातें आपको अगर समझ में आ जाती है तो 3 बातें आपको खुद से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कह दिया कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक। अब ये जब वास्तविक बनता है तो क्या ध्यान रखना है कि फिक्स है कि उल्टा बनेगा, और जब वास्तविक कह दिया तो फिक्स है क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर कह दिया कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो उल्टा बनने इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा, माइनस होगा या आगे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आभासी कह दिया कि आभासी है तो इसका मतलब सीधा है, प्लस है, पीछे बनेगा, या प्रतिबिंब पीछे बन रहा है इसका मतलब कैसा बन रहा है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, प्लस बनेगा, या प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है इसका मतलब पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ध्यान रखना ये मंत्र है, आगे वास्तविक, उल्टा और माइनस, पीछे आभासी, सीधा और क्या चीज, प्लस। ये दर्पण में ही काम आता है केवल, ठीक है। तो दर्पण में याद रखिएगा, लेंस का दूसरा होता है उसको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीजें समझ लो, हमने क्या लिखवाया था डिफिनीशन में कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसी स्थिति को समझने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब देखो इसमें तो वही बात समझ लो कि अगर पीछे बनेगा, कोई भी चीज पीछे बनेगा, ठीक है, तो कैसा होगा, वो आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा। तो आभासी, सीधा और प्लस। अगर आगे बनता है तो वो बनेगा वास्तविक, उल्टा और माइनस। एकदम ध्यान से, आगे बनेगा तो वास्तविक, उल्टा और माइनस, पीछे बनेगा तो अभासी, सीधा, प्लस। इसमें भी अगर पहले बनता है तो वास्तविक, उल्टा और माइनस, ठीक है, अगर पीछे बनता है तो आभासी, सीधा और आपको क्या बनेगा, प्लस। इसको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कोई भी चीज हो, आगे हो तो वास्तविक, उल्टा और माइनस, पीछे हो दर्पण के तो आभासी, सीधा और प्लस। इसमें भी अगर आगे हो तो वास्तविक, उल्टा, माइनस, पीछे हो तो आभासी, सीधा और प्लस, ठीक है। अब मेन दिक्कत कहां आती है वो समझ लो, कुछ बातें इसमें समझ लो कि वस्तु दूरी को अनुसंकेत क्या होता है, यू होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी का संकेत जो होता है वो भी होता है, ठीक है, दर्पण के हिसाब से, ठीक है।
नहीं तो भी नाइन्थ क्लास में तो दूसरा कुछ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको आता है फोकस। फोकस दूरी का संकेत होता है आपको एफ, ठीक है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या का संकेत होता है आर। क्या होता है? आर। ये चार बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज का क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इस मुद्दे पे, इसका मेन यूज कहाँ होता है, तो प्लस माइनस। जैसे मान लो यू कह दिया कि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अब समझ नहीं आ रहा कि 20 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, और आपको पता है कि माइनस प्लस गड़बड़ हो गया तो पूरा नहस तहस हो जाता है, इसलिए माइनस प्लस समझना जरूरी है। तो इतना समझिएगा आप लोग, इतना चीज समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दर्पण के पहले होगा तो वास्तविक उल्टा माइनस, दर्पण के बाद होगा तो अभाज्य सीधा प्लस, इसमें भी पहला होगा तो वास्तविक उल्टा माइनस, इधर होगा तो अभाज्य सीधा प्लस। अब इतना ध्यान रखिए कि वस्तु दूरी का संकेत क्या होता है। वस्तु दूरी को हम लोग बिंब दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बिंब दूरी भी कहते हैं। तो वस्तु दूरी या बिंब दूरी का यू, प्रतिबिंब दूरी का वी, फोकस दूरी का एफ, वक्रता त्रिज्या क्या होता है आर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि कौन प्लस में होता है और कौन माइनस में होता है। आप लोग खुद बोलिए अपने मन से, जहां बैठे हैं, घर में बैठे हैं तो घर में, छत पर बैठे हैं तो छत पे, जहां बैठे होंगे वहीं पे आप बात करिएगा और बोलिएगा साथ साथ में, ठीक है, तब जाके क्लियर होगा। इधर बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए, इधर बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है बाबू। अवतल दर्पण में यू और उत्तल दर्पण में यू का बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखे अवतल दर्पण, तो दिमाग आपका कहां जाना चाहिए? अवतल दर्पण पे। इधर का लिखे उत्तल दर्पण, तो दिमाग कहां जाना चाहिए? उत्तल दर्पण पे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसको हम मिटा देंगे, प्रयास करते हैं अभी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी है आप लोग वीडियो रोक के लोड कर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखें आप, अब अवतल दर्पण में यू कहां होगा, तो आप समझ में नहीं कि यू क्या है, तो यू है वस्तु दूरी। यू क्या है? वस्तु दूरी, ठीक है। तो ध्यान रखो, अभी लिखवाए थे तुम लोग को चिन्ह परिपाटी के अनुसार में कि वस्तु को हमेशा दर्पण कहां रखा जाता है? बाई ओर। तो बाई के ना हो गया, तो जैसे हम खड़े हैं तो बाएं लेफ्ट हैंड के ना इधर है, तो इसका मतलब बाएं, मतलब वस्तु कभी भी हम इस साइड में रखते हैं। किस साइड में? इस साइड में रखते हैं। तो जब बताओ कि वस्तु ये दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, तो किधर रखेंगे हम लोग? बाएं। तो बाएं का मतलब किधर हुआ? इधर। तो बताओ जो चीजें इधर हुआ, प्लस की माइनस दिख रहा है तो क्या है? माइनस। इधर है तो माइनस, इसका मतलब यू किस में आया? तो यू हो जाएगा माइनस हमेशा। हमेशा यू क्या होता है? माइनस। आते हैं बात करते हैं उत्तल का, तो उत्तल कौन है? ये वाला है। तो उत्तल बताओ यू क्या होगा? प्लस की माइनस। तो यू बताओ हेने होता है कि हेने होता है? तो ध्यान रखना कि अवतल हो चाहे उत्तल हो, बाएं ही होता है। तो जब बाएं होगा तो हेने होगा, इसका मतलब किसमें? माइनस। यानी यू ध्यान रखना कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा किसमें होता है? तो माइनस में होता है, ठीक है। यू हमेशा ध्यान रखना कि माइनस में ही होता है, चाहे वो कुछ हो, लेंस हो, दर्पण हो, ध्यान रखना कि माइनस में ही होता है। इसका मतलब कहते हैं एफ का। किसका एफ? एफ माने फोकस दूरी। किसका एफ? अवतल का। तो देखो तो अवतल का एफ किधर है? इधर है कि इधर है? तो इधर है, इसका मतलब किसमें बनेगा? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस एफ, हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। इसका एफ बताओ किसमें होगा? तो देखो इसका एफ किधर है? इधर है कि इधर है? तो इसका मतलब इधर है, इसका मतलब एफ किधर होगा? आपको इधर होगा। तो एफ हमेशा किसमें होगा? तो आपको माइनस में होगा। एफ हमेशा किसमें होगा? एफ इसमें होगा जो प्लस में, क्योंकि एफ इधर है और इसमें ये प्लस होगा। तो एफ होगा प्लस, इसमें होगा माइनस। आर की बात करें तो इसमें आर किधर है? इधर है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस आर हमेशा, और इसमें आर क्या होगा? तो इधर होगा, तो इसका मतलब प्लस आर हमेशा, ठीक है। अब बात आती है भी की, बताओ भी प्लस की माइनस? सोचो भी प्लस होगा कि माइनस होगा? किसके लिए? अवतल के लिए। अब अवतल में भी प्रतिबिंब दूरी है। अब प्रतिबिंब देखना कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो ध्यान देना कि प्रतिबिंब बताए थे कि 6 गो बनता है, जिसमें 5 गो हेने बनता है, 1 गो हेने बनता है, मतलब 5 गो पहले बनता है, 1 बाद में बनता है। तो आपको बताए थे कि जब पहले बनेगा तो किसमें होगा? माइनस होगा। यानी भी का मान इसमें माइनस भी होगा, और भी का मान इसमें प्लस भी होगा, ठीक है। क्योंकि आगे ही बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो माइनस कब होगा? तो माइनस देखो कब होगा, तो माइनस होगा किसके लिए? वास्तविक के लिए। तो माइनस होगा आपको वास्तविक के लिए, और प्लस किसके लिए होगा? तो प्लस होगा आपको आभासी के लिए, ठीक है, आभासी के लिए। इसमें भी का मान क्या होगा? तो इसमें बाबू 2 गो प्रतिबिंब बनता है, और दोनों प्रतिबिंब इधर बनता है, इसका मतलब ये दोनों किसमें होगा? प्लस में होगा। तो इसका मतलब प्लस भी इस सिर्फ आभासी के लिए होता है और कुछ
नहीं होता है। तो ये रहा आपको चिन्ह परिपाटी। अब कभी भी आप लोग वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन आने का प्रयास कीजिएगा, तो अगर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो कभी भी आपको किसी भी क्लास में, चाहे टेंथ हो, चाहे ट्वेल्थ हो, चाहे बीएससी हो, किसी भी क्लास का हो जिसमें फिजिक्स में आपको दर्पण पढ़ना हो, तो उस दर्पण में आपको ये चिन्ह परिपाटी काम आएगा। और ये आपको चिन्ह परिपाटी याद रहे तो किसी भी क्लास में, कॉम्पिटेटिव क्लास में भी आपको काम आएगा। तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस में प्लस में होता है और किस में माइनस में होता है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इसे ही पूछा जाएगा। और 10, 12 तो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना ही है इसको। तो ये वीडियो आपको आज दिया जा रहा है और इसको देखिए। हाँ, और एक बात है आपको बताया जा रहा है कि आप लोग जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो ये बताएं कि आप लोग पढ़ना किस तरह चाह रहे हैं। मतलब कोई टॉपिक मेन में उठा के पढ़ा जाए बीच में से, या आपको पूरे सिलेबस को एकदम लाइन बाय लाइन विस्तार से पढ़ाया जाए, ये आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये चैनल नया शुरू हुआ है, आप ही लोग शुरू हुआ, ये हमेशा चलेगा, ठीक है। इस पर 9, 10, 11, 12 की टोटल पढ़ाई होगी। तो इसलिए आप इसको जो बातें हों कमेंट में लिख दें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दूसरे आपको फ्रेंड वगैरह जो है वो भी पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।